सो वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा जैसे कि टियरिंग जो है वो रिफ्रेश होने वाली है। अलग अलग टियर जो होते हैं फ्लिपकार्ट के, टियरिंग के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उस पर हम डिटेल में नहीं जानेंगे। जस्ट आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट पे डायमंड टियर पे अगर हमें जाना है, प्लेटिनम टियर पे जाना है, गोल्ड टियर, जो ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े टियर्स हैं, टॉप टियर्स हैं, उन पे कैसे जाया जाता है। प्लस आप अपनी जो टियरिंग है उसको डाउन जाने से कैसे रोक सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक टियरिंग, एक यहाँ पे जो अकाउंट है उसका एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाने वाला हूँ। अब आप सबसे पहले अपने, अगर आप आएंगे सेलर पोर्टल पे तो आप देखेंगे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नाम जो है लेफ्ट साइड राइट साइड टॉप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका अकाउंट नेम है, उसके जस्ट राइट में यहाँ पे टियरिंग जो होती है वो आपको शो हो जाएगी। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होके आ जाएगा। इसको आप एक बार रिफ्रेश जरूर कर लें, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो सेलर पोर्टल है काफ़ी ज़्यादा हैंग करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको थोड़ा आप रिफ्रेश कर लें ताकि आपका जो प्रॉपर डेटा है वो फिल यहाँ पे हो जाए। तो आपको जैसे पता होगा कि ये अभी जो आपकी टियरिंग चल रही है उसको हम करेंट ईयर बोलते हैं। पहले आपको ये समझना जरूरी है, एक होता है करेंट ईयर, एक होता है ट्रेंडिंग टियर, राइट। करेंट ईयर होता है जिस टियरिंग में आप अभी हैं, राइट। जैसे ये सिल्वर में है अकाउंट, तो ये सिल्वर टियर इज करेंट टियर, ठीक है। यहाँ पे आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कि 2 मार्च से लेके 30 मई तक का जो आपका जो परफॉर्मेंस था उसके बेस पे आपका ये सिल्वर टियर डिसाइड किया गया है, और अभी आपको इस सिल्वर टियर के ही बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर आपको बेनिफिट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप बेनिफिट यहाँ पे देख सकते हैं। सिल्वर टियर के बेनिफिट जो है वो ये है कि 10 रुपये शिपिंग चार्ज में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, 10 दिन का आपका साइकिल हो जाता है, जो विजिबिलिटी रहती है अच्छी रहती है। इस तरीके से आप बेनिफिट्स यहाँ से देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग टियर दिखाएगा। ट्रेंडिंग टियर मतलब 1 जून से लेके 14 अगस्त तक, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए बेसिस ऑन 1 जून टू 14 अगस्त, पहले जून से लेके 14 अगस्त तक का जो परफॉर्मेंस है आपका उससे डिसाइड होगा कि आपका नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा। तो उसको बोलते हैं हम ट्रेंडिंग टियर, कौन सा टियर ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये सेलर का आप देखेंगे करेंट ईयर तो सिल्वर है, बट ट्रेंडिंग टियर ब्रॉन्ज का है, मतलब डाउन टियर हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे या तो आपका डाउन टियर हो रहा होगा, या तो आपका अप टियर हो रहा होगा, राइट, या तो आपका सेम टियर होगा, तो ये 3 ही सिचुएशन हो सकती है। अगर आपका अप टियर है तो वेल डन, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, आप और बेहतर उसको बना सकते हैं। डायरेक्ट सिल्वर से आप प्लेटिनम में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट ब्रॉन्ज से आप गोल्ड में भी जा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपका सेम है तो तब भी अच्छी बात है, आप कोशिश करिए, अपग्रेड हो सकता है। अभी हमारे पास कई दिन और बचे हुए हैं, 14 अगस्त तक ये चलेगा, 14 अगस्त तक आपके पास टाइम है। और अगर आपका डाउन टियर हो रहा है तो आपको जरूरत है ध्यान देने की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लियरली इस पर कि डाउन टियर होने से कैसे बचा जाए, साथ साथ में गोल्ड प्लेटिनम और डायमंड टियर को आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो थोड़ा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप 3 चीजें देखोगे। पहले तो आप ये 3 स्लैब यहाँ पे बने हुए देखोगे, इनको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 जो पैरामीटर्स हैं वो दिखाई देंगे। ये 3 पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सेल्स ट्रेंडिंग टियर, मतलब सेल्स में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स में भी 2 चीजें आती हैं, एक सेल्स इन रुपीस, एक सेल्स इन यूनिट, मतलब 1 जून से लेके अभी तक का आपने कितना सेल किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो सेल्स इन रुपीस जो है वो 16 लाख की हो चुकी है, तो 16 लाख की हो चुकी है इसका मतलब गोल्ड के लिए क्वालिफाइड हो चुका है, राइट। सेल्स इन यूनिट आप देखोगे तो ये 5,270 जो कि प्लेटिनम टियर के लिए क्वालिफाई हो चुका है। तो इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा वही एक्सेप्टेबल होता है, राइट। जैसे आप देखेंगे सेल्स इन यूनिट में प्लेटिनम में पहुंच चुके हैं, तो सेल्स ट्रेंडिंग टियर क्या आएगा आपका, प्लेटिनम का बनेगा, राइट। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थोड़ा नीचे आएंगे तो सर्विस क्वालिटी की मैं बात करता हूं। तो सर्विस क्वालिटी में इन दोनों में से जो भी लोवेस्ट होगा वो कंसिडर किया जाएगा, राइट। मान के चलिए ये डायमंड है, ये भी डायमंड है, आपने सेलर कैंसिलेशन भी एक भी नहीं करे और आपने आरटीडी ब्रिज भी बहुत कम करी है। देखिए आरटीडी ब्रिज 0.03% है और सेलर कैंसिलेशन ऑलमोस्ट 0 है, राइट। तो ये आपका दोनों डायमंड है तो ये डायमंड में एक्सेप्टेबल होगा। वहीं एक डायमंड होता, एक ब्रॉन्ज होता तो ये आपका ब्रॉन्ज में कंसिडर किया जाता, राइट। तो आई होप ये दोनों आप समझ गए होंगे कि ये दोनों कैसे डिसाइड हो रखे हैं, राइट। थोड़ा नीचे आएंगे तो कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो कस्टमर एक्सपीरियंस में 5 पैरामीटर्स होते हैं, इन 5 पैरामीटर को हम समझेंगे। पहला
पांच पैरामीटर होते हैं, इन पांच पैरामीटर में आपको पॉइंट दिए जाएंगे हर पैरामीटर पे, और पॉइंट के हिसाब से ही आपका जो है वो ये जो टैग है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो नंबर मिले हुए हैं वो 51.4 मिले हैं 100 में से, राइट। तो इस वजह से ब्रॉन्ज यहाँ पे टैग मिला हुआ है, बहुत ही वीक है आई गेस, ठीक है। वहीं 58 हो जाता तो सिल्वर हो जाता, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग है, राइट। तो यहां पे आपको ब्रॉन्ज मिला हुआ है। अब ये तीन पैरामीटर को आप अगर देखोगे, एक तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, इन तीनों में से देखो, एक में प्लेटिनम मिल गया, एक में डायमंड मिल गया, एक में आपको ब्रॉन्ज मिल गया। तो इन तीनों में से जो लोएस्ट होगा वही कंसिडर किया जाएगा, जो सबसे नीचे होगा वही कंसिडर किया जाएगा। अगर ये तीनों प्लेटिनम में होते तो आपका ट्रेंडिंग टियर प्लेटिनम होता। अगर ये भी डायमंड, ये भी डायमंड, ये ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज ही माना जाएगा। अगर ये भी ब्रॉन्ज है, ये सॉरी, अगर ये भी ब्रॉन्ज है, ये भी ब्रॉन्ज है, ये भी ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज होगा। अगर दैट मीन जो भी सबसे कम होगा वो आपका माना जाएगा, राइट। तो सबसे कम यहाँ पे ब्रॉन्ज है, तो इसीलिए इसका ट्रेंडिंग टियर जो है वो ब्रॉन्ज में आ चुका है। तो आई होप सबसे पहले तो ये समझ गए होंगे आपकी आप ब्रॉन्ज में क्यों आ रहे हैं, या आप जिस भी टियर में आ रहे हैं उसमें आप क्यों आ रहे हैं, राइट। टियर में जाने के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको अगर देखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू डिफरेंट बेनिफिट्स, ठीक है। बेनिफिट्स आपको यहाँ नीचे दिख जाएंगे, साथ साथ में पैरामीटर्स क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कस्टमर एक्सपीरियंस में अभी हम लगभग 50 क्वालिफाई कर चुके हैं इस अकाउंट में, तो ब्रॉन्ज यहाँ पे मिल रहा है। वहीं अगर 58 मिल जाता तो सिल्वर हो जाता, और अगर 70 मिल जाता तो गोल्ड हो जाता, राइट। वहीं 80 हो जाता तो प्लेटिनम हो जाता, राइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग यहां पे देख सकते हैं कि किस टियरिंग में जाने के लिए आपको कितने की सेल्स, कितने का रेवेन्यू, कितने का कस्टमर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आरटीडी ब्रिज और सेलर कैंसिलेशन का भी यहां पे पैरामीटर बनाया गया, राइट। आई होप ये सब क्लियर हो चुका होगा, और ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस पे मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप जाइए, अगर आप लिखेंगे न्यू डार्विन फ्लिपकार्ट बाय सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि अगर आपका डाउन टियर हो रहा है तो इम्प्रूव कैसे करना है, और आपको डायमंड में कैसे क्वालिफाई करना है। तो आप अगर थोड़ा नीचे आएंगे, इन तीन पैरामीटर में से देखेंगे कि ये प्लेटिनम में है, ये डायमंड में है, तो हम डायमंड में अगर नहीं भी जाएं तो प्लेटिनम में तो जा ही सकते हैं, राइट। प्लेटिनम में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए प्लेटिनम में तो हम जा ही सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो ऑलरेडी प्लेटिनम में है, ये भी ऑलरेडी प्लेटिनम से ऊपर है। अब हमको कोशिश करनी है कि इसको जितना इंप्रूव करेंगे, अगर ये ब्रॉन्ज में है, सिल्वर में चला गया तो हम सिल्वर में चले जाएंगे, अगर ये गोल्ड में चला गया गोल्ड में चले जाएंगे, अगर प्लेटिनम डायमंड, मतलब हमें सिर्फ यहां पे काम करना है। अगर यहां पे काम किया और हो सकता है आने वाले कुछ दिन के अंदर अंदर हमने इसको ब्रॉन्ज से प्लेटिनम कर दिया, राइट। प्लेटिनम करने के लिए ज्यादा, देखिए कितना डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। अभी जो हमारा चल रहा है वो 50 चल रहा है, और प्लेटिनम के लिए 80 चाहिए, मतलब 30 मार्क्स आपको बढ़ाने हैं, यहाँ पे 30 नंबर बढ़ाने हैं, राइट। 30 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, 30 नहीं तो 20 तो बढ़ा ही सकते हैं, 20 नहीं तो 8 तो बढ़ा ही सकते हैं, राइट। अब बढ़ाना किस तरीके से वो हम देख लेते हैं। सो अगर आपका सेल्स इन यूनिट बच गया है कुछ, भाई सेल्स इन यूनिट में आप लैग कर रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए सेल्स करने की। उसके लिए आप अलग अलग डिस्काउंट लगा सकते हैं, अलग अलग एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं, सेल्स प्रमोशन लगा सकते हैं, प्राइसिंग में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, तो यहाँ से आप सेल्स इन ट्रेंडिंग टियर में इंप्रूव कर सकते हो। सर्विस क्वालिटी अगर आपकी डाउन है तो ऑब्वियसली उसके लिए आप जल्दी से जल्दी टिकट जनरेट करिए और बताइए कि वो आपकी गलती नहीं थी, फ्लिपकार्ट की गलती थी, कोई टेक्निकल था, कुछ भी था, टिकट जनरेट करिए और उसको जीरो करिए, क्योंकि आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा कि आपने कितने डिस्पैच ब्रीच करे, कितने सेलर कैंसिलेशन करे, कितने पिकअप री अटेम्प्ट आपने करे हुए, राइट। तो अगर आप इन दोनों में लैग कर रहे हैं, देखिए ये अकाउंट तो सिर्फ इसमें लैग कर रहा है, राइट, तो इन दोनों में लैग कर रहे हैं तो आप इन दोनों के लिए काम करिए। अगर आप यहाँ पे लैग कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट रेटिंग, प्रोडक्ट रेटिंग ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट बिके होंगे उन पर कुछ ना कुछ रेटिंग मिली होगी, ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग के लिए आपको यहाँ पे 40 नंबर का, ये समझ सकते हैं कि 40 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका कि आपको प्रोडक्ट रेटिंग अच्छी बनानी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रेटिंग अच्छी बनानी है, 40 नंबर का है, सिर्फ कितने नंबर मिले, 18.44,
तो इसको हम काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए कम से कम यहाँ पे हम 22 नंबर और खींच सकते हैं। अब 22 नहीं भी खींचे हैं तो कुछ नहीं यार, 5 से 6 नंबर तो खींच ही सकते हैं ना हम यहाँ पे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट रेटिंग इंप्रूव करने के लिए, वो आप अपने हिसाब से देखिए, आप एडिशनल रेटिंग्स डलवाना चाहें वो डलवा सकते हैं। क्योंकि मैं देखिए एक लीगल तरीके से तो ये अलाउड नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको टीयरिंग अपग्रेड करना है, वहां पे फायदे मिलेंगे तो आप ये कर सकते हो, आप न्यू रेटिंग्स डलवा सकते हो। अब आप अपने तरीके से कैसे डालना है वो आप खुद देखिए। तो कुछ नहीं, 18 हम यहाँ 18 से इसको 10 नंबर तो हम यहाँ पे इजिली खींच सकते हैं, हमारे पास काफी दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 10 नंबर हमने यहाँ पे खींच लिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेता हूँ। ओके, 10 नंबर हमने यहाँ पे अचीव कर लिए। ठीक है, उसके बाद सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न। सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न क्या होते हैं, 15 नंबर का ये भी है कि कैस कौन से ऐसे रिटर्न्स आपके आए हैं जो आप कंट्रोल कर सकते थे। मतलब आप चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकते थे, हो सकता है कई रिटर्न आपके इस वजह से आए हो कि प्रोडक्ट जो मंगाया था वो आया ही नहीं, है नहीं, कई बार ये आया हो कि जो कलर मंगाया था वो आया ही नहीं, तो ये आपके हाथ पे था, मतलब इसको आप कंट्रोल कर सकते थे, तो ये आपने कंट्रोल नहीं करा, इस वजह से आपका 15 में से सिर्फ 3 नंबर यहाँ पे मिला हुआ है। राइट, अब 3 नंबर मिला है, अब इसमें कर क्या सकते हैं हम, तो आप पर्सनली अब जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उनको आप पर्सनली अपने तरफ से जज करिए, अपने तरफ से प्रॉपर उनको अच्छे से पैक करके जज। देखिए वहां पे कस्टमर का भी कई बार यहाँ पे हाथ हो जाता है, हम इसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम अपने एंड से यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, वेयरहाउस का प्रॉपर निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर इसमें मिले हुए हैं, थोड़ा हम एफर्ट मारेंगे तो 2 नंबर हम इसमें भी और एडिशनल बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रीजनल यूटिलाइजेशन में। रीजनल यूटिलाइजेशन में आप 20 नंबर का होता है, इसमें 15 मिला हुआ है, इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। रीजनल यूटिलाइजेशन का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट आपके ही रीजन में, मतलब आपके ही स्टेट में कितने परसेंटेज में बिके हुए हैं, तो आप इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने ही स्टेट में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। अब आपको ऑर्डर कैसे करवानी है ये आपके ऊपर है। राइट, तो इसको 15 से हम अगर इसको आप काफी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं कुछ दिन के अंदर, तो मेरे हिसाब से अभी देखिए 20 में से 15 है, ये तो अच्छा ही है नियर अबाउट, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कमी बेसी है तो हम इसको 2 पॉइंट से और ऊपर खींच सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको अच्छे से खींच सकते हैं ऊपर, अच्छे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, अब आता है इन स्टॉक। इन स्टॉक का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इन स्टॉक का मतलब होता है जितनी बार कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करा, कस्टमर ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट दिखता है कस्टमर को, कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट पे क्लिक करा, कितनी बार आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहा। राइट, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ऑब्वियसली आप इसको यहाँ आई बटन से पढ़ सकते हैं, इस पर क्लिक करके चाहे इस पर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझना है इसको तो थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन स्टॉक का मतलब समझाया गया है। इन स्टॉक परसेंटेज का मतलब है एवरी टाइम अ कस्टमर ट्राइड टू बाई योर प्रोडक्ट वॉज इट इन स्टॉक एंड अवेलेबल। जितनी बार कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट परचेज करने की कोशिश करी उतनी बार आपका प्रोडक्ट अवेलेबल था या नहीं था, कहीं वो आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं था। तो सिंपल सी मतलब है आउट ऑफ स्टॉक आपका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। राइट, यहाँ पे पीपीवी की भी बात करी गई है, पे पर व्यू वाला सिस्टम है। आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा टाइम आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी लिस्टिंग में जाके कोशिश करिए कि आउट ऑफ स्टॉक एक भी प्रोडक्ट ना हो, और जो आउट ऑफ स्टॉक है उसको अभी के अभी पॉज कर दो, उसको अभी के अभी इनएक्टिव कर दो, बाद में एक्टिव कर लेना, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक एक भी नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक ज्यादा होने की वजह से ही यहां पे इस सेलर के 10 में से 0 नंबर है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, इन स्टॉक में आपको 10 में से 1 या 10 में से 2 या 10 में से 4 नहीं मिलेगा, या तो 0 या तो 10 में से 10 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, यहां पे आई गेस मेंशन भी होगा कहीं, यहां पे कहीं पे मेंशन है नहीं वैसे फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे रिटर्न में अगर मिल जाता है हमें तो बेहतर है। अच्छा, यहां पे रिटर्न में नहीं मिला है, तो यहां पे जितनी बार भी आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहेगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा कि कितना परसेंटेज आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था। अगर वो परसेंटेज 90% से ऊपर होता है तो आपको 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे, अगर वो परसेंटेज 90% से नीचे होता है तो आपको 10 में से 0 दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, तुरंत जाके अभी सारे आउट ऑफ स्टॉक आइटम को अपने
पॉज कर दो, इनएक्टिव कर दो, और या तो अभी के अभी उनमें स्टॉक अवेलेबल करा दो, राइट। आउट ऑफ स्टॉक आप कैसे देख सकते हैं, स्टॉक में जाओ और यहाँ पे शो आउट ऑफ स्टॉक करो, अप्लाई कर दो, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कितने आइटम है आपके वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 10 में से 10 आई गेस आप खींच सकते हो आने वाले कुछ दिन के ही अंदर। चलिए 10 में से 10 खींचना, ऑब्वियसली इसमें एफर्ट करना पड़ेगा थोड़ा, और इसमें 10 में से 5 या 10 में 2 तो होता नहीं है, तो 10 में से 10 में इसमें रख लेता हूं। नेक्स्ट आता है फ्री शिपिंग ऑर्डर। फ्री शिपिंग ऑर्डर 15 नंबर का है, इसमें 14.82 है, तो बहुत बेहतरीन है, बस थोड़ा सा ही रह गया है, तो 15 में से ऑलमोस्ट 15 ही आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये नहीं है तो आप इसको कोशिश करिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश, क्योंकि सारे प्रोडक्ट पे आप फ्री शिपिंग दीजिए, मैं हमेशा रेफर करता हूं, आप सारे प्रोडक्ट पे शिपिंग फ्री दीजिए, चाहे आप थोड़ा कॉस्ट बढ़ा दीजिए, लेकिन हर प्रोडक्ट पे आप शिपिंग को फ्री रखिए और एफ एश्योर्ड रखिए, राइट। शिपिंग फ्री कैसे रखना है, एडिट लिस्टिंग में जाइए और यहाँ पे आप अपना शिपिंग फीस जो है वो जीरो कर दीजिए, ताकि चाहे आप प्रोडक्ट में उसको कॉस्ट में, प्रोडक्ट कॉस्ट में आप उसे मिला लो, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली कुछ खींच तो हम सकते नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आपका हो सकता है ये कम है तो आप इसको खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कितने पॉइंट एक्स्ट्रा खींच लिए, हमने यहाँ पे 22 पॉइंट लगभग एक्स्ट्रा खींच लिए हैं, ठीक है। इसको एक सेकेंड, ओके, हमने यहाँ पे 22 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिए हैं। अब 22 पॉइंट अगर हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, अभी हमारा 51 है, ठीक है, और अगर हम 22 एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो ये हो जाता है 73। दैट मीन्स हम गोल्ड क्वालिफाई इजीली कर जाएंगे, गोल्ड से ऊपर ही आ जाएंगे। और वहीं अगर आप थोड़ा और इंप्रूव कर लो इसको, तो आप सिर्फ कुछ पॉइंट और ले लो तो आप प्लेटिनम तक भी इसमें आ सकते हो, राइट। अब अगर आपको लेकिन डायमंड तक आना है तो आप इसको पूरा खींच के रखिए, 100 में से 84 लेके चलिए, और प्लस आप क्या करिए, सेल्स में आप ऑलरेडी इसमें सर्विस में आप ऑलरेडी डायमंड में हैं, सेल्स में आप थोड़ा और इंप्रूव करिए, सेल्स को थोड़ा अपने एंड से पुश करने की कोशिश करिए, लास्ट के कुछ दिनों में एडवर्टीजमेंट चलाइए, प्रमोशंस पे पार्टिसिपेट करिए, प्राइसिंग थोड़ा ऊपर नीचे करिए, और आपका ये भी डायमंड में आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली आप एक डायमंड टीयर में पहुंच चुके होंगे। और डायमंड टीयर का जो एडवांटेजेस है वो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, सबसे हाई विजिबिलिटी और 2 दिन के अंदर पे आउट यहाँ पे आपको मिल जाता है, एंड बहुत सारे और भी सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स उन पे आपको इनवाइट किया जाता है, राइट। तो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो इन सब चीजों पे देना है। आई होप ये सारी चीजें आपकी मैं क्लियर कर चुका हूं, कहीं पर भी अगर अभी भी डाउट है तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाओ और अपना डाउट पूछो। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो हम लोग की टीम ने 30 तारीख को, आने वाली 30 तारीख को फ्लिपकार्ट सेलिंग मास्टरी का पूरा मेरा सेशन होने वाला है, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एडवांस सेलिंग ट्रिक्स में हम वहां पे डिस्कस करेंगे, 500 प्लस ऑर्डर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेलर्स हैं जो हमारे अचीव कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग फ्लिपकार्ट पे कैसे होती है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो 30 अगस्त को मिलूंगा मैं आपसे। अगर आपको भी ये शो बुक कराना है, ये सेशन बुक कराना है, इसमें आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ये सेशन हम लोग करेंगे 30 अगस्त को मॉर्निंग 10 बजे से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इसको बुकिंग करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट तुरंत कर लीजिए, या तो कॉल कर लीजिए या तो व्हाट्सएप कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ है, तो वहां पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी बताता हूं, तो आप अभी के अभी इंस्टाग्राम पे जाइए, rishi.ecommerce लिखिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और तो पसंद आई है तो यार एक लाइक तो बनता है, बहुत सारे सेलर लाइक नहीं करते हैं, जस्ट वीडियो देख के चले जाते हैं। लाइक कर लो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो ना, आप तो यार इतनी चीजें मैं बताता हूँ, सब्सक्राइब करना बनता है, अभी के अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।